अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़ोटोशॉप की न्यू वीडियो के साथ आपके साथ मैं मौजूद हूं आज। और आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि किस तरीके से फ़ोटोशॉप में रहते हुए मल्टीपल फाइल्स को क्लोज़ किया जा सकता है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं मेरे पास तीन तरीके की इमेजेस यहां पे ओपन हुई हैं और मैंने सिंपल उसी तरीके से ओपन किए। फाइल में आके ओपन में अगर मैं आ जाऊँ ओपन में आके और यहाँ से मैंने फाइल मज़ीद ओपन कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें ये फाइल साइकिक रीडिंग ओपन हुआ है और ये पोस्टर डॉट पी एन जी की फाइल भी मैंने अभी ओपन करा है और डॉट जे पी की फाइल, एक नई फाइल और ओपन कर लेते हैं जो कि पोस्टर डॉट टिफ की फाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ यहाँ से। तो आप देखें कि फाइल यहाँ से ओके हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। ठीक है, अच्छा अगर आपको मैं ये फाइल ले लेते हैं यहाँ से और इस फाइल में इमेज में आके और सब फाइल में कोई ना कोई चेंजेस कर लेते हैं थोड़ी बहुत, इन फाइल्स में आके हम लोग थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं इसको। सो इस फाइल अगर आप यहाँ नोटिस कीजिएगा, अब अभी आप देखेंगे कि कोई आइकॉन कोई स्टार का निशान मौजूद नहीं है, लेकिन इमेज में आके एडजस्टमेंट में आके यहाँ से आके मिसाल है मैं अगर लेट्स से फ़ोटो फिल्टर का एक इफेक्ट इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, या इस फाइल पे नहीं, लेट्स से हम लोग साइकिक रीडिंग पे इमेज में एडजस्टमेंट में और फ़ोटो फिल्टर का इफेक्ट ऐड कर देते हैं और लेट्स से इसकी मैं डेंसिटी ऑल द वे टू 100 ले आता हूँ। ठीक है, ये देखें ये पुरानी फाइल थी और ये नई फाइल, मैंने इस पर फ़ोटो फिल्टर का एक इफेक्ट ऐड कर दिया, राइट और मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। नोटिस कीजिए कि इस फाइल के बिल्कुल बराबर में एक स्टार का निशान आ गया है। इसका मतलब ये है कि इस फाइल पे हमने काम किया है इस वक्त, लेकिन ये काम सेव नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इस फाइल को यहाँ से बंद करता हूँ तो ये मुझे मैसेज देगा क्या यह फाइल आपको सेव करनी है, अगर करनी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो, और इसी तरीके से कैंसिल कर दें कि हमें दो तीन दो ऑप्शन में कोई नहीं करना, तो फिलहाल इसको कैंसिल कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमें इन तमाम फाइल्स को क्लोज़ करने का फंक्शन समझना है। तो टिफ फाइल में आते हैं और यहाँ से इस फाइल को भी मज़ीद थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट्स से मैं इन टेक्स्ट को उठाकर थोड़ा सा माउस की मदद से या अपने कीबोर्ड के जो एरो कीज़ हैं अप लेफ्ट राइट राइट एंड लेफ्ट से मैं इसको नीचे डाउन एरो की प्रेस करके नीचे बनाता हूँ, राइट। सो अब आप नोटिस कीजिए कि इस फाइल में भी हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसमें भी अगर आप देखें तो एक अनसेव्ड चेंजेस का आइकॉन अपीयर है कि इसमें हमने काम किया है लेकिन चेंजेस अभी तक सेव नहीं हुए। इसी तरीके से इस फाइल में भी आके हम लोग कुछ चेंज कर दें, जब एक फाइल है इधर मैं यहाँ आके एडजस्टमेंट में आके लेवल्स में आ जाता हूँ, एडजस्टमेंट में आके लेवल्स में आ जाते हैं जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल एल, और यहाँ से आके इसको थोड़ा लेवल को मज़ीद पॉलिश कर देते हैं, थोड़ा इन्हांस कर देते हैं थोड़ा लेवल्स। इन तमाम फीचर्स को हम लोग मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ ओके कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पी एन जी फाइल फाइनल है। यहाँ पर अगर हम लोग फिल्टर में आ जाते हैं और फिल्टर में आके रेंडर में आके और यहाँ से लेंस फ्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नोटिस की जगह हमारे पास ये लेंस फ्लेयर आ गया है, इसके ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और इसको यहाँ सारे लेंस से रख देते हैं इसके पास, ओके कर देते हैं। सॉरी, नोटिस की जगह हमारे पास आ गया। तो हमारे पास अगर आप देखें तो तमाम फाइलों में तकरीबन कोई ना कोई अनसेफ चेंजेस का आइकन मौजूद है तमाम फाइलों में। ठीक है, तो हमें इन तमाम फाइलों को एक साथ सेव करना है या नहीं करना, इसका हमें डिसाइड करना होगा। सो यहाँ से आके हम लोग अगर फाइल में आ जाए तो फाइल में आके क्लोज ऑल का ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ मौजूद है क्लोज ऑल, इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ कंट्रोल डब्ल्यू, को क्लिक करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो अभी भी हमसे ये पूछ रहे हैं कि पोस्टर डॉट टिफ बिफोर सेविंग आप इसको सेव करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। अगर इसके साथ अगर आप एक और चीज़ देखें तो यहाँ अप्लाई ऑल का बटन आ रहा है,
इट मीन्स के येस हो या नो हो. अच्छा एक और चीज़ इसमें है कि कीबोर्ड से अगर आप वाई प्रेस करेंगे तो मीन्स येस, और कीबोर्ड से एन प्रेस करेंगे मीन्स नो. तो हम लोग अगर यहाँ पे येस और कीबोर्ड से नो भी प्रेस कर सकते हैं, एन वाई एन एन, ठीक है. तो अप्लाई ऑल का मीन्स के ये चेंजेस जो भी हम येस या नो प्रेस करेंगे वो तब तमाम अप्लाई हो जाएगा. सो लेट्स से, सो बेसिकली अगर यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये तमाम फाइलों को क्लोज कर देगा, क्लोज करने के साथ साथ चेंजेस को अप्लाई कर देगा. तो फिलहाल चूँकि मुझे ये चेंजेस नहीं करनी और हम लोग सिर्फ एक आपको समझाना चाह रहे थे, तो इस वजह से मैं फिलहाल इसको नो करूँगा. और आप देखिए कि नो करते ही तमाम फाइलें बंद हो जाएंगी और चेंजेस सेव नहीं होगी. और अगर आप चेंजेस सेव करना चाहें तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है. नो करता हूँ. और इस तरीके से आप तमाम चारों पाँचों या वॉट एवर हाउ मेनी जितनी भी फाइल्स आपके मौजूद हैं उन तमाम को एक साथ खोल के उनमें चेंजेस करके और एक साथ सेव कर सकते हैं, ठीक है. आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगले ट्यूटोरियल में और अगली वीडियो ट्रेनिंग में आपके साथ हाजिर होंगे. थैंक यू सो मच.